कमीशन ने निगरान सिंध हुकूमत की तकरर और तबादले की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जिसके बाद सूबे में बड़े पैमाने पर तकरर और तबादले कर दिए गए। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने निगरान सिंध हुकूमत की तकरर और तबादले की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तफसीलात क्या हैं आगाह करेंगे एडिटर साउथ रेहान हाशमी, हमारे साथ मौजूद हैं। जी रेहान हाशमी, सिंध में तकरर और तबादलों के हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए, सिंध हुकूमत की जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी इलेक्शन कमीशन को, कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने दायर दी थी कि तमाम फरंग तबादले हमारी मंजूर से ली जाए। तो सिंध में बड़े पैमाने पर खाल पछाड़ हो गई है। 32 के करीब एसएसपी के जो है कराची समेत उनको तब्दील कर दिए गए हैं। इसी तरह 8 DIG जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में थे, कराची में 3 जोन है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरह हैदराबाद, बेनजीर, शहीदाबाद है, और समय तमाम जो 8 डिस्ट्रिक्ट है उससे DIG भी तब्दील कर दी गए। उसके साथ कराची में जो एडिशनल IG कराची है जावेद दोरो, उनको भी उद्योग से हटा दी गया। एडिशनल IG जो स्पेशल ब्रांच है खादिम हुसैन बेन, उनको एडिशनल IG कराची तैनात कर दिए गए, और जो फरान अवेटिंग पोस्टिंग थे उनको भी तैनात किया गया है, और जो अच्छी सूरत के फरान है जो सबका हुकूमत उनको भी अब उद्योग पे तैनात कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।